हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर हर टिप्स। तो आज का टॉपिक है हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल कर सके और कैसे कुछ बेसिक से स्टेप को फॉलो करके कैसे हम अपने हेयर केयर रूटीन को और अच्छा बना सकते हैं। टीनेज के लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड अगर आप टीनेज से बाहर भी हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ये रूटीन मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया है, इसे बहुत ही बेनिफिट होता है, तो ही मैं सारे जो टिप्स हैं वो शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये है कि आप परमानेंट आप वही शैम्पू कंडीशनर ऑयल यूज़ करें जो आपको सूट करता है और बार बार अपने ऑयल कंडीशनर को चेंज ना करें। इससे भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। बहुत महंगे प्रोडक्ट देख के आप अपने शैम्पू को चेंज ना करें, आप जो यूज़ करते हैं वही करें। सेकेंड टिप ये है कि जब भी आप शैम्पू करते हैं तो वीक में एक बार ना करें या पर डे ना करें। आप एक टाइम बना लीजिए कि आपको इस डे शैम्पू करना है, जैसे संडे टू वेडनेसडे, फर्स्ट संडे को एंड वेडनेसडे को आप शैम्पू ज़रूर करें। वीक में दो बार शैम्पू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर डे शैम्पू करने से आपके जो रूट हैं हेयर के वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। जब भी शैम्पू करें तो कंडीशनर ज़रूर करें। थर्ड टिप ये एंड फोर्थ टिप ये है कि जब भी आप शैम्पू के बाद कॉम करें तो आपका जो हेयर है वो ज़्यादा वेट ना हो, ड्राई हो जाए तो ही आप कॉम्ब करें। इससे क्या होगा कि आपके हेयर जो है जब वेट रहते हैं, जब गीले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं एंड जब आप तब कॉम करते हैं तो आपके हेयर फॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा जब हेयर अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए तो ही आप अपने हेयर पर कॉम करें। फिफ्थ टिप ये है कि जब भी आप ऑयलिंग करें अपने हेयर में तो ऑयल को हल्का सा वार्म कर लें और अपने फिंगर की हेल्प से अच्छी तरीके से अपने स्कैल्प में मसाज करें 5 से 10 मिनट तक। एंड जब भी आप शैम्पू करते हैं, जैसे आप संडे को शैम्पू करते हैं तो सैटरडे के रात को अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर लें और पूरी रात ऑयल आपके बालों में लगी रहेगी तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज आपके हेयर होंगे, जल्दी से ग्रोथ होगा हेयर का और फिर आप सेकेंड डे संडे को आप शैम्पू कर लें। और जो सिक्स्थ टिप्स है वो ये है कि जब आप बाहर जाएं तो अपने हेयर को अच्छी तरीके से कवर कर लें, जिससे पॉल्यूशन से भी आपके हेयर फॉल होते हैं तो वो ना हो। सेवेंथ टिप ये है कि जब भी आप सोएं तो आप अपने हेयर को जो है अच्छी तरीके से कवर करके या आप बन बना के पोनी बना के तभी सोएं। इससे क्या होगा, आपका हेयर ज़्यादा उलझेगा नहीं और हेयर फॉल के चांसेस भी कम होंगे और आपका हेयर हेल्दी भी रहेगा। तो वीडियो पसंद आ, ये थे कुछ बेसिक से स्टेप जो आप फॉलो करके अपने हेयर केयर रूटीन को और भी अच्छा बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर